So the next question we are having, an electric field as a function of radial coordinate r has the form E equals to alpha e to the power minus r square upon r cap, where alpha is a constant. Assume that dimensions are appropriately taken care of. So the electric flux through a sphere of radius root 2 centered at the origin is phi. So what is the value of phi upon 2 pi alpha? And it is rounded off to 2 decimal places. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फ्लक्स आपको पता है कैसे लिखेंगे, ई डॉट डी एस से. सो मैग्नेट, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर कैप में है, सो आर कैप में जो फ्लक्स वैल्यू रहेगी एल्फा ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर कैप डॉट आर स्क्वायर साइन थीटा एंड टी थीटा डी फाई आर कैप. तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट होगी सिर्फ थीटा और जीरो से पाई और जीरो से टू पाई, थीटा और फाई की लिमिट्स होंगी, आर विल बी ए कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो यहाँ से एक आर तो कैंसिल हो गया और ये आपको मिल जाएगा, मतलब आर को आपको कैपिटल आर जो है वो पुट कर देना. बाकी आपसे आर इक्वल्स टू आर पे ही पूछ रहे हैं, आर इक्वल्स टू रूट टू पुट कर देना. सो पहले आर की टर्म्स में निकाल लेते हैं. सो एल्फा आर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू फोर पाई आपको मिल जाएगा ये. तो अभी आर को रूट टू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा रूट टू एल्फा ई टू द पावर माइनस टू इंटू फोर पाई. सो ये वैल्यू आपको मिल गई है फाई की. सो अभी हमें फाई बाई टू पाई एल्फा कर देना है. सो फाई अपॉन टू पाई एल्फा कर देना है. तो यहाँ से हम टू रूट टू ई टू द पावर माइनस टू रिमेनिंग रहेगा. तो अभी यानी कि टू रूट टू अपॉन ई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यू आएगी 0.38 के करीब. सो दिस विल बी द आंसर राउंडेड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस. 0.38 इसका आंसर हो जाएगा.